नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दी सब्सटेंस विच डज नॉट एक्सपांड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, ऐसा कौन सा नीचे जो सब्सटेंस है जो एक्सपांड नहीं होता। एक्सपांड है तो समझता है ना, जो कौन से स्टेट में लिक्विड स्टेट में से सॉलिड स्टेट में जाता है पर एक्सपांड नहीं होता, वो वैसे के वैसे रह लेता है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हम सबको पता है, जैसे आपको हम जब लिक्विड वाटर को सॉलिड में यानी आइस में कन्वर्ट करते हैं तो एक्सपांड होता है, बढ़ता है वो। ठीक है, कास्ट आयरन है, एल्यूमिनियम या फिर टाइप मेटल, तो इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो चीज़ है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो लिक्विड स्टेट में से सॉलिड स्टेट में जब जाता है तो एक्सपांड नहीं होता। इसका सही जवाब है गाइस टाइप मेटल जो है, बाकी सब कास्ट आयरन है, एल्यूमिनियम जो है वो लिक्विड में से सॉलिड में जाते हैं तो एक्सपांड होता है, पर ये जो टाइप मेटल है या टाइप मेटल जो है वो जब लिक्विड स्टेट में से सॉलिड स्टेट में जाता है तो एक्सपांड नहीं होता। अब ये टाइप मेटल यानी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में ये लीड, टीन और एंटीमनी का जो है वो मिश्रण होता है। ठीक है, यानी पीबी प्लस एसएन प्लस एसबी। अगर हम बात करें वाटर तो पता है, एल्यूमिनियम पता है, अगर कास्ट आयरन अगर की बात करें तो कास्ट आयरन में क्या होता है तो 2 से 4% जो है, 2 to 4% जो है वो कार्बन होता है, और क्या होता है सिलिकॉन होता है, और क्या होता है तो मैग्नीज होता है, और ट्रेस अमाउंट में यानी बहुत कम अमाउंट में जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है वो होती है सल्फर की एंड फॉस्फरस की। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड, तो कौन में से नीचे गया दिया जो सब्सटेंस है तो इसमें से कौन से इसमें सबसे ज़्यादा आयरन ओर जो है वो फाउंड होता है। पहला है FeCO3 यानी आयरन कार्बोनेट, दूसरा है Fe2O3 यानी हेमाटाइट, ठीक है, तीसरा है Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट, और चौथा है FeS2 यानी आयरन डाइसल्फाइड। तो इसमें से अगर हम बात करें गाइस तो ये जो मैग्नेटाइट है इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आयरन ओर पाया जाता है, यानी ये सबसे बड़ी आयरन का ओर माना जाता है, और सेकंड नंबर में आता है ये हेमाटाइट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटाइट जो है वो बहुत बढ़िया बेस्ट जो है वो आयरन का ओर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अस मास नंबर ऑफ एन एटम, ये तो बहुत ईजी सवाल है कि मास नंबर ऑफ एन एटम जो है वो नीचे गए में से कौन देता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास जो होता है किसी भी एटम की, अगर हम मास की बात करें, कोई भी एटम हमने ले लिया और मास जो है वो सेंटर में जो है उसके कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है, और सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियॉन्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं तो वो दर्शाता है उसका मास। तो सही जवाब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल पोल्यूट द एयर ऑफ द सिटी, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल पोल्यूट द एयर ऑफ द सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी सीधा सीधा ये बोल रहा है कि ऑटोमोबाइल जो होता है, यहाँ पूछा गया है कि भाई जो जिस शहर में ऑटोमोबाइल ज़्यादा हो गए उसमें नीचे गए दिए गए में से कौन सबसे ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन होता होगा, यानी सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई कि ऑटोमोबाइल से सबसे ज़्यादा जो है वो नीचे दिए गए में से कौन सी चीज़ जो है वो पोल्यूटन जो होते हैं तो उनके रूप में जो है वो बाहर आती है, कैडमियम है, क्रोमियम है, लीड है या फिर कॉपर है। कॉपर तो निकलता ही नहीं, क्रोमियम कैडमियम या लीड हो सकता है, तो आपने लीडेड अनलीडेड पेट्रोल का नाम सुना होगा, तो सबसे ज़्यादा जो निकलता है पेट्रोल में से या ऑटोमोबाइल में से तो वो होता है गाइस लीड। अब लीड क्यों निकलता है, क्योंकि लीड को जो है वो पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो लीड कौन सा होता है, टेट्रा, इसका नाम भी पता होना चाहिए, टेट्रा इथिल लीड। ठीक है, इसको एंटी नॉकिंग कंपाउंड है यानी जो पेट्रोल में यूज़ किया जाता है ताकि आपके इंजन जो है वो सेफली चला जाए, यानी इसमें जो है वो जो खटखट वाली जो है आवाज़ या कोई नॉकिंग जो है वो नहीं आना चाहिए, इसीलिए इसमें लीड, टेट्राइथिल लीड को जो है वो यूज़ किया जाता है। अब लीड यूज़ किया जाता है तो ऑटोमोबाइल जब इंजन बर्न होगा, पेट्रोल बर्न होगा, तो उसमें से लीड तो बाहर निकलेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले, अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एक कंटेनर है इसमें आपने जो है वो वाटर फिल किया है जिसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, द वाटर विल ओवरफ्लो, तो वाटर ओवरफ्लो होना चाहिए इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, अब 4 डिग्री सेल्सियस से अगर हम नीचे डिक्रीज करते हैं या फिर इंक्रीज करते हैं तो ये जो पूरा भरा हुआ कंटेनर है इसमें से वाटर जो है वो ओवरफ्लो होगा। इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं या फिर नन ऑफ देम, तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है,
ठीक है, जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो जैसे ही अब गाइज हम वाटर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। वॉल्यूम यानी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो या हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से या फिर डिक्रीज करते हैं, तो दोनों भी चीज़ों में, दोनों भी केसेस में क्या होगा, वाटर जो है वो ओवरफ्लो होगा, क्योंकि डेंसिटी वहाँ पे कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पानी जो है वो कंटेनर से बाहर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आयोडाइज कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट होता है, हमने देखा होगा कि आयोडाइज जो सॉल्ट है वो यूज करना चाहिए, तो कॉमन सॉल्ट में आयोडाइज करने के लिए कौन सा नीचे दिए गए में ऐसा जो चीज़ है वो यूज़ की जाती है, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन, सोडियम आयोडाइड या कैल्शियम आयोडाइड। तो आयोडाइज नमक बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट में क्या मिक्स किया जाता है, तो ये गाइस पोटेशियम आयोडाइड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कॉमन सॉल्ट को आयोडाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 80 कैरेट गोल्ड इज। अब आपको बताना है कि 18 कैरेट का जो गोल्ड है उसमें प्योर गोल्ड है वो कितना परसेंट होगा। 24 कैरेट की अगर हम बात करें, 24 कैरेट की, तो इसको प्योर गोल्ड माना जाता है, यानी इसमें 100% जो है वो सोना होता है, शुद्ध सोना होता है। तो अगर हम 18 कैरेट की बात करें तो 24 के कंपैरिजन में ये कितना है, 75%। तो इसमें 18 कैरेट जो गोल्ड होता है इसमें 75% जो है वो प्योर गोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हु इन्वेंट द मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर जो है वो किसने इन्वेंट किया था। अब बैरोमीटर जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मर्क्यूरी बैरोमीटर जो है वो इन्वेंट किसने किया था, तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप सोचना और मन ही मन में सवाल का आंसर देने की कोशिश भी करना। इसका जवाब है इवेंजेलिस्टा टोरिसेली, ठीक है, और इसको टोरिसेली बैरोमीटर भी बोला जाता है, क्योंकि टोरिसेली नाम के जो साइंटिस्ट ने, उन्होंने ये मर्क्यूरी बैरोमीटर का इन्वेंट किया था, और इसीलिए इनको इस बैरोमीटर को टोरिसेली बैरोमीटर या फिर मर्क्यूरी बैरोमीटर जो भी है वो बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द केमिकल नेम ऑफ मार्स गैस। मार्स गैस यानी जो दलदल के प्रदेश होते हैं उसमें से जो गैस निकलती है, तो उसका केमिकल नेम क्या है, तो बहुत सिंपल है, मीथेन, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपीलीन। तो क्या है इसका जवाब होगा, इस मीथेन यानी मीथेन गैस जो है वो मार्स गैस, हम मीथेन गैस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड ऑन अपॉन एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का डिटेल वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, वो भी जरूर देख लेना। तो नीचे सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, रैंकाइन का स्पेशल वीडियो मौजूद है। तो नीचे दिए गए में से कौन सा जो है वो बेस्ड है एब्सोल्यूट जीरो पे, तो नीचे जो केल्विन है इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो केल्विन, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है वो माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इलेक्ट्रॉन होल्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू। वन इलेक्ट्रॉन होल्ट एनर्जी किसके बराबर होती है, 3.6 × 10⁶ जूल या फिर बी या सी या डी। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होल्ट एनर्जी है, अगर हम वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखें, तो वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। और उतनी ही अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो होती है जूल में, यानी वन इलेक्ट्रॉन होल्ड की अगर हम बात करें तो एनर्जी इक्वल होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमने 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।